शादी की तैयारियां फाइनली शुरू हो चुकी हैं। मैं तो अपनी शादी के लिए इतना एक्साइटेड हूँ ना सच्ची में। आए हाय हे डोड़े ना इश्क मिटा आए हाय आप बाकी कमेंट सेक्शन में बताओ कि सुप्रा का नाम लूसी रखे नहीं रखे। फ्लैट से गाइज अपने इतने दिन बाद देहरादून आकर के इतना अच्छा सा लग रहा है ना, बट आज फिर से हम लोग निकल रहे हैं। लाइफ इतनी बिजी चल रही है ना, मैं आपको बता देता हूँ गाइस, हम लोग सुप्रा लेकर के घर पहुंचे एंड द थिंग इज आज हम लोग वापस से जा रहे हैं दिल्ली, क्योंकि आज प्रणव भैया का रोका है गाइस। प्रणव भैया की फाइनली शादी होने वाली है। शायद आपकी शादी ऑलरेडी हो गई गाइस, मैं रास्ते में था, सुप्रा को भी नहीं छोड़ सकता था, बट मैं प्रणव भैया की शादी के लिए कैसे तैसे करके पहुंच गया। फिलहाल द थिंग इज गाइस सब लोग हो चुके रेडी, ये हमारे ग्रुप का ना पहला रोका होने वाला है। धीरे धीरे करके विकेट डाउन हो रहे गाइस, मैं बचा हूं, रितिका बची है, भव्या बची है, दुष्यंत के भी इस साल में हो जाएगी, फिर क्या करेंगे भयंकर, सब लोग अपने अपने घर में बैठ करके। ये चेक करो गाइस, ये कर रही है पैकिंग। हां भाई, तुम्हारा विकेट कब डाउन होगा? मेरा अगले साल। तुम्हारा कब हो रहा है? जिन्हें पता उन्हें पता गाइस। फिलहाल हम लोग हो चुके रेडी गाइस, रितिका सारा सामान सामान पैक कर रही है। हम लोग ना सुप्रा लेकर के नहीं जा रहे, बिकॉज यार सुप्रा ले जाकर के बहुत भीड़ होगी। एंड एक चीज और, सुप्रा की मॉडिफिकेशंस, रैप, सारा काम शुरू होने वाला है। मैं बस तो ये सोच रहा हूँ कि सुप्रा का नाम क्या रखे हम लोग। हम लोग सुप्रा का नाम लूसी रख ले क्या? क्या रितिका क्या सजेस्ट कर दिए? मेरे को भी लगता है लूसी रखना चाहिए, है ना? जब तक हमारी जीटी वापस नहीं आती गाइस, तब तक हम लोग सुप्रा का नाम लूसी रखते हैं। आप बाकी कमेंट सेक्शन में बताओ कि सुप्रा का नाम लूसी रखे नहीं रखे। मैं मुझे पता है लूसी रखूंगा तो बहुत सारे लोग खुश होंगे। एट द सेम टाइम गाइस, ये बस शादी वाला सीन नहीं पड़ जाए, उसके बाद मस्त एकदम मॉडिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा। प्रणव भैया का कॉल आ गया, प्रणव भैया गाली देंगे कि कहाँ पहुंचे कैसे करके। बोल देता हूँ निकल गए, फटाफट सामान लोड करते हैं और फिर निकलते हैं यार। ओके बॉयज, मैं पहुंच चुका हूँ नीचे एंड मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी जिंदगी में लड़कियाँ हैं ना, अगर आपको कहीं टाइम पर जाना है तो आप कभी नहीं जा पाओगे। मैंने सुबह से ब्लॉग एडिट करा, प्रोमो एडिट करके ब्लॉग अपलोड कर भी दिया, सब कुछ कर दिया, 2-3 ब्रांड्स भी निपटाए, उसके बाद भी मैं नीचे रेडी खड़ा हूँ और ये लोग अभी तक रेडी हो रहे हैं गाइस। भव्य और रितिका इतने लेट रहती है, इंसान है ना। प्रणव भैया मेरी वजह से लेट नहीं है, सामान नीचे आकर के लोड भी कर देगा, स्टिल वो लोग यहाँ पर नहीं पहुंचे। हर्ष हाईवे पे खड़ा बेचारा वेट कर रहा है हमारा, प्रणव भैया भी वेट कर रहे हैं, जिस बंदे का रोका है वो हमारे लिए वेट कर रहा है और हम अभी तक निकले ही नहीं है। जल्दी नीचे आ रहे हैं फिर लोड करके निकलते सीधा। ओके बॉयज, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हाईवे पे और गर्मी इतनी भयंकर हो रही है देहरादून में। चारा हर्ष पता नहीं कब से धूप में खड़ा है, मैं तो बोल दूंगा भव्य ने लेट करी है। भव्य और रितिका वो देखो गाइस कहां पर खड़े हुए। हां भाई, वो रहने की दो भाई, सच तो रितिका और उसने उठा उठा, हां तोड़ दो मेरा बैग, क्या मसला हो गया? हेलो भाई, क्या हाल है? बढ़िया, कैसे हो? बढ़िया भाई, एक सेल्फी ले ले, जल्दी जल्दी ले लो भाई। गाइस बहुत गर्मी हो रही है, लेट्स गो फटाफट, जल्दी ले लो भाई। गाइस हमें आयुर्वेदिक एरिया से कॉल आया, वो पूछ रहे हैं कि आपको कुछ परेशानी है। मेरा एक दोस्त है मैम, वो उसकी उम्र 25 साल की है, उसे ना बहुत ज़्यादा बबसीर की प्रॉब्लम है। पाइल्स? हाँ जी, पाइल्स है क्या? हाँ जी, हाँ जी मैम, बात करा? मैं बात मतलब बगल में ही है, वो थोड़ा सा जो बात कर हल बता दे अपनी प्रॉब्लम के बारे में। हाँ, शर्मा क्यों, बता दे भाई, वो डॉक्टर ही है भाई। हेलो जी, बताइए। हाँ जी मैम, एक्चुअली मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, बस वो मॉर्निंग में रहता है ओनली। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मतलब ब्लड ऐसे नहीं है, नॉर्मल है, बट पेन ज्यादा है। ओके मैम, गाइस हमें ना मुझे कोई फाइल्स नहीं है, ठीक है? गाइस हमें ना भी आयुर्वेदिक सेंटर से कॉल आया, उन्होंने कहा आपको कुछ बीमारी है, मैंने कहा मेरा दोस्त है उसे एक बीमारी है, उसे बबसीर की बीमारी है। तेरे खून भी आते छींक छींक। वाओ गाइस, अब तो तुम्हें पता है कि किसको कौन सी बीमारी है, तुम्हें क्या मीम बनाने हैं। दिन में एक बार सुबह आते बस तेरे को खून। तो हेलो जी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। गेट रेडी टू लेवल अप योर गेम विद परिमैच गाइस एंड यू कैन विन अ लॉट ऑफ मनी एंड प्राइजेस ओनली ऑन परिमैच। लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट परिमैच गाइस। परिमैच इज द नंबर वन गेमिंग प्लेटफॉर्म व्हिच इज बीइंग यूज्ड बाय टॉप सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स लाइक बाबू भैया। परिमैच एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है गाइस, व्हिच हैज गॉट अ वैरायटी ऑफ गेम्स एंड एट द सेम टाइम गाइस इट्स सेफ एंड सेक्योर। साथ गाइस आपको यहां पर बहुत सारे गेम्स मिल जाएंगे गाइस, जहां पर आप प्ले करके यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। नॉट ओनली दिस गाइस, परिमैच पर डिपॉजिट एंड विड्रॉ कराना बहुत ज्यादा
इजी है. यू कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ थ्रू हंड्रेड्स ऑफ पेमेंट मेथड्स लाइक यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड इवन क्रिप्टो करेंसी. नॉट ओनली दिस गाइस, अगर आप मेरे लिंक से जाकर के साइन अप करोगे तो आपको 1,05,000 रुपए का वेलकम बोनस मिलेगा. साथ ही साथ यहाँ पर 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी है. तो देरी किस बात की है, साइन अप ऑन परिमैच नाउ गाइस. प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स एंड विन अ लॉट ऑफ मनी. तो हेमलो जी, फाइनली गाइस हम लोग निकल चुके हैं घर से हर्ष को उठा करके, और मैं आपको मिला देता हूँ सबसे कामचोर लड़के से. गाइस मैं आपको बताता हूँ, हर्ष ने ना भाई एक चीज की गवाही दे, आपके अदालत में हो आज, वो दूध का पैकेट क्यों नहीं रखा था फ्रिज से निकाल करके. कौन से दूध का पैकेट? गाइस मैं आपको बताता हूँ हमारे फ्लैट में क्या हुआ. क्या था? डब्बा था, डब्बे में दूध था थोड़ा सा. डब्बा था, डब्बे में दूध था, दूध में क्या था? मलाई. और 10 दिन बाद आ रहे उस मलाई का ना, 20 दिन बाद आए दही. भाई उस पे कीड़े लग चुके थे गाइस. गाइस सच्ची में हर्ष क्या ही बोलूं गाइस, मुझे तो इसकी बीवी की टेंशन होने लगती है. अब जैसे जैसे सब लोगों की शादी हो रही, मुझे लगता है इसकी बीवी तो परेशान होकर के चली जाएगी. मेरी बीवी नहीं जाने वाली, ध्यान रखिए. नहीं भाई, मुझे तो अपना पता है गाइस. पहले मुझे भव्या का डर लगता था कि भव्या घर कैसे संभालेगी, अब मुझे हर्ष का भी डर लगता है. हर्ष का मुझे रसोई नहीं संभालनी है. हमारा छोड़ो गाइस, अभी तो प्रणब भैया का क्या होता है. भगवान भाभी अच्छी मिले. भाभी प्लीज प्रणब भैया को शादी करने के बाद भी हमारे साथ घूमने देना, पार्टी करने देना. प्रणब भैया बोल रहे नहीं यार, मैं तो अपनी वाइफ. प्रणब भैया शादी के बाद चोरू के गुलाम हो गए. चोरू का गुलाम मैं बन के रहूंगा. लेट्स गो गाइस, पहुंचने वाले हरिद्वार. प्रणब भैया से मिलते हैं और कांग्रेचुलेशन करते हैं उन्हें शादी के लिए. गाइस पहुंच गए हम लोग दूल्हे के घर में, पहुंच गए हम लोग. आज मेरे यार की शादी है, अड्डा मड्डा मड्डी का टिका. आज मेरे यार का योग का है. ओ यार करो का है, मेरे दिलदार करो का है. आज तो मजा आने वाले गाइस, प्रणब भैया का रोक का हम लोग इतने मजे करने वाले हैं ना गाइस, फुल पावर. थोड़ा सा लेट हो गया. एक्चुअली गाइस जब भी व्लॉग में ब्रांड जाते हैं ना, इतना लेट होता है, कुछ ना कुछ दिक्कत आती है. हमारे टीम में ना एक बहुत लेट लतीफ इंसान है गाइस, प्रणब देसवाल भैया. रोका होने वाला है, थोड़ा सीरियस हो जाए जिंदगी. कल मुझे कह रहा था 4 बजे तो दिल्ली पहुंच जाएंगे. रुक जाओ, तुम चुप रहो, काम चोर लोग हो. हाँ बीच में बैठ करके चबाना शुरू कर देना तुम. मैं खाऊंगा ही. फिलहाल देखेंगे गाइस, हम लोग निकल रहे हैं. भैया क्या क्या, एक चीज तो बताओ क्या पहनना आपकी शादी में? अभी लेते हैं कुछ एथनिक पहनेंगे. गाइस मैं पंडित हूँ, जिन्हें पता उन्हें पता है, तो हमारे उसमें धोती का भी कल्चर है. प्रणब भैया से पूछता हूँ, पंडितायन क्या पहनोगे तुम? साड़ी. तुम क्या पहन रहे हो? ब्रैक साड़ी. यस. एंड थिंग इज अभी हम लोग यहां से जाएंगे शादी के कपड़े लेने के लिए. ये ब्लॉग ना बहुत खतरनाक होने वाला है, बिकॉज़ मतलब मैंने ये शराब की शादी में ब्लॉग बनाना चाहता था, बट शराब की शादी में बना नहीं पाया. अब प्रणव भैया की शादी में, अभी तो भाभी भी नहीं देखी हम लोगों ने. भैया सुंदर है भाभी? मतलब आपसे ज्यादा सुंदर है, आपसे ज्यादा कम सुंदर? भैया दोनों तो बीवियां तो सुंदर ही होती है. बढ़िया, ये सही था. अपनी ना भाभी से ऑलरेडी सुबह व्लॉग में बात कर चुका हूँ कि भयंकर देखो शादी करनी है कर लो, लेकिन अगर प्रणब भैया थोड़े से भी चेंज हुए कहीं, प्रणब भैया अगर आपको फोन करो, प्रणब भैया फोन नहीं उठा रहे. प्रणब भैया 7 बजे बोल रहे अनुराग मुझे घर जाना है, मुझे अपनी बीवी के पास जाना है. नहीं तो, मुझे नींद आ रही है. तुम्हें क्यों करेंगे? मैं ना बहुत जोर वाले मोड में. भैया ने मुझे क्या करके बुलाया है? तो भाभी जी ये ब्लॉग देख रही हैं आप, तो समझ जाइए हमारे भैया जैसे हैं वैसे रखना. आप भी आना हमारे साथ पार्टी करने के लिए. हाइलेक्स हमारे पास बहुत बड़ी है, आप यहाँ आगे बैठना, हम पीछे खाले में चले जाएंगे मस्त एकदम. सॉरी डाला होता है ना भैया, डाले में चले जाएंगे और डाले में बैठ करके मस्त इंजॉय करेंगे. आज आपको भाभी भी दिखाते हैं गाइस. आज दिखेगी मैं भाभी? ये फोन चाबी आज मिलेगी ना? ओके गाइस आज भाभी से मिलाते हैं. शादी किसके साथ है जब भाभी नहीं दिखेंगी तो? बगैर तुम अपने अपनी टेंशन करो, इनकी तो हो गई. वो तो आप हो ना. देखो वो मेरी मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब से तो कमाई लिया कि बंदी अच्छी मिलेगी. कमाई ढीले करो और कपड़े लो मेरी शादी. भैया शादी में तो आप दिलाओगे ना कपड़े? हाँ मैं तो दिलवाऊंगा. चल मैं दिलवाया हूं, क्या हो गया? ये गाइस पहुंच गए हम लोग यहाँ पर लेने के लिए. शेरवानी ले ले, मैं तो कह रहा हूँ शादी में काम आ जाएगी. डन 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 मेरी शादी. गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने कपड़े लेने के लिए, और तुम्हें भाई एक फैन आया था फोटो खिंचाने के लिए. भाई ने कांग्रेचुलेट करो, बोलो कांग्रेचुलेशन प्रणव भैया, और बोला शादी के बाद ढंग से रहना. हाँ, और बोला चेंज मत होना. हाँ बोला घर दोस्तों के साथ ही रहना. हाँ एग्जैक्टली बोला. हाँ बोलो भाई बोलो, तभी आओगे नहीं तो ब्लर कर दूंगा फेस. बोलो भैया दोस्तों के साथ ही रहना. फिलहाल गाइस आई एम लुकिंग आउट द आउटफिट्स दैट वी आर गोना वेयर टुमारो. मैं पहली बार ऐसा कुछ ट्राई कर रहा हूँ,
बट मेरे को थोड़ा सा कूल चाहिए गाइस, बट एक एवरेज सा भी चाहिए। प्रणव भैया ना सोचे मेरे से भी सुंदर कोई लग रहा है मेरे रोके में। शादी की तैयारी, शादी की तैयारियां फाइनली शुरू हो चुकी हैं। प्रणव भैया के साथ घोड़े पे आप तो नहीं बैठोगे? प्रणव भैया आपके साथ रथ पे भी तो नहीं? सच्ची में क्या मस्त लग रहा है, मेरे को तो बहुत शौक है। खाली यही पहन ले। हाँ, और ऐसे कुछ नहीं पहन। ऐसे चलो और अपना स्टाइल। ऐसे चलो। गाइस शादी की तैयारियां फाइनली शुरू हो चुकी हैं। कैसे लग रहा है तेरा? मस्त। ये पिंक वाला डालो ना। वो वाली पिंक डाल, वाली पिंक डाल, वाली। हम लोग जा रहे हैं फिटिंग रूम में चेंज करने के लिए एंड आई एम गोना चेक दिस आउट कि ये कैसे लग रहा है। भाई आई एम रियली एक्साइटेड। आज पूरी शादी की तैयारी गाइस, चेक करता हूँ कैसे लगता है। भैया पकड़ो ना, आप अंदर तो आओ, आप तो आ सकते हो अंदर। हमने थाईलैंड में भी तो चेंज करा है एक साथ। ये नीचे वाला है, दरवाजे तो बंद करो, इज्जत तो बचा के रखो। तो हाँ कैमरे में सबको दिखा दो। कोई बात नहीं ना। क्या रिश्ते पहले आ गए क्या? लड़कियां आ गए क्या बाहर? लड़कियां आ गई इधर। यार भैया ये लग तो बहुत बढ़िया रही है, ये सेक्सी सबसे ज्यादा स्मार्ट वही लग रहा है। आ जा। नीचे से भी आई शुड चेंज। हाँ प्रतिष्ठा अनुशासन सिस्टम। कैसे लग रहे हो प्रणव भैया बताओ ना। बहुत मॉडल वाले भैया, बाहर शोरूम के बाहर लग जाओ। कैसे लग रहा हूँ ये तो बताओ। सुंदर बस भाई, ऐसे जाने वाले हो। मुझे तो लग रहा तेरी शादी है। मेरे बड़े भाई की शादी है, मैं तो फुल नंगा नाच करूंगा भाई। गाइस आई जस्ट वांट टू प्रिपेयर फॉर इट। ये चेक करो गाइस क्या मस्त लग रहा हूँ। ये चेक करो गाइस, पहली बार ऐसा कुछ पहना है मेरे जिंदगी में, वो भी प्रणव भैया की शादी के लिए। फेयरवेल भी नहीं पहना था तूने? फेयरवेल में पता ही नहीं था, वो मम्मी ने ओवरकोट साइज दिला दिया फेयरवेल के लिए, वो पहन के जा रहा था। बोला 10th में दिला देता, बोला 12th में भी ये यूज करना। ओके गाइस चेक दिस आउट, ये लुक फाइनली बन चुका है मेरा। और अब तो मुझे वो सूर्य तो डॉन वाली फीलिंग आ रही है। हाय फिरोज तेरा नाम है, ये पूरा इंडिया मेरे पे, तूफान उठा दूंगा। मैं पगड़ी इसलिए पहन रहा हूँ ना ताकि मुझे पिटाई ज्यादा बार लगे वहाँ पर लड़के वाले। तो विदाउट पगड़ी पता कैसे लगेगा, तुम सब विदाउट पगड़ी घूम रहे हो। गाइस कमेंट सेक्शन में बताओ पगड़ी ले ना ले, बताओ पगड़ी के साथ ये लुक अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। और जितने ज्यादा कमेंट, हाँ शादी हो रही है प्रणव भैया की, बट शौक में पूरे पूरे कर रहा हूँ। भैया पहना दो, पैसे भी जम के लेती है, फिर पैसे भी जम के लेती है। सुन रहा हूँ। आये हाय गुड़े लाल इश्क मिटा, आये हाय। गाइस चेक दिस आउट, ये मेरा फाइनल लुक। जब तक ये ब्लॉग आएगा तब तक ऑलरेडी हो चुका होगा रुका, बट रेटेड आउट ऑफ 10 में कैसे लग रहा हूँ भाई। मैं तो अपनी शादी के लिए इतना एक्साइटेड हूँ ना सच्ची में भाई, कसम से इतनी। मैं भैया मैं एक हफ्ते पहले शॉपिंग करनी शुरू कर दूंगा। एक हफ्ते पहले कौन करते हैं, एक महीने, दो दो महीने पहले, इस शादी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फिलहाल मैं दिल्ली जाने का ही सब कुछ पैक करवाते हैं और चलते हैं। तुम्हें चाह कर भी ना चाहे, करे जो मन मानी है मन ना माने, मिली जो ये जो याद मिल के बाटे तेरे नाम। हम अभी फ्यूल स्टेशन पे और प्रणव भैया का रोका है, तो प्रणव भैया सबकी गाड़ी पे फ्यूल भराएंगे। देखो कार्ड मशीन भी दे दो और Thank you so much, sir. इज्जत वाली बात हो जाती है जब जब इंडियन आर्मी ऑफिसर्स आपको ऐसे दिल दिखा रहे थे ना, बहुत प्राउड सा फील हो रहा था ना भाई। और बाबू भैया
थैंक यू सो मच सर, आप कल वाले ब्लॉग में आएंगे। सोचो गाइस हमारा कंटेंट वो लोग भी देख रहे हैं जो हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं, इतना टाइम निकाल रहे हैं। सैल्यूट सर, जय हिंद टू यू। सो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और मैं आ चुका हूँ ड्राइविंग सीट पर, क्योंकि जिन्हें पता है उन्हें पता है कल हमारे दूल्हे राजा जी का दिन है, तो मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कराया जाए। वैसे भी इन्हें एनर्जी की बहुत जरूरत पड़ेगी गाइस बाद में, मतलब इतने सारे फंक्शंस निपटाने हैं कल। फिलहाल द थिंग इज गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मेरठ पहुंच गए ना भाई, हम लोग बस पहुंच ही रहे, इतनी देर से पहुंच ही रहे। प्रणब भाई मेरे को कल रात कॉल करके बोले 10 बजे निकलेंगे, मैंने कहा ओके भैया, मैं पहुंच गया था टाइम से, बट फिर ब्रांड ने लेट करा दिया। फिर रितिका और भव्य, आपको पता ही है कितना टाइम लगाते हैं तैयार होने के लिए। भव्य 6 बजे उठ रहे हैं, हम लोग 6 बजे से उठे हैं। आपने सुबह 6 बजे, तुम दोनों सुबह 6 बजे तैयार होना शुरू हो जाना, पहले बता रहा भैया रोका तब नहीं पहुंच पाएंगे रोके तक। भैया झूठ है ये सब कुछ, झूठ ना, पहले 9 बजे चलेंगे तैयार होने के लिए। यार कहीं 11 बजे का फंक्शन है, फिलहाल यार बहुत ज्यादा बारिश हो रही है एंड इसी कारण से हम लोग सुपरा लेके नहीं आए, बिकॉज बारिश भी हो रही थी प्लस मेरे को रोके में टाइम से भी पहुंचना था। मुझे पता था अगर हम सुपरा लेकर के आते फिर रात को टेंशन होती कहाँ पार्क करते क्या करते, तो मैंने कहा लेट्स मेक दिस बैक, इस पूरी राइड पर कोई टेंशन ना हो, कौन गाड़ी को संभाले कहाँ पर, मस्त हाईलाइट तुम कहीं भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक और चीज़ गाइस, आज सुपरा घर पे पार्क थी, इतने सारे लोग वापस से घर आ गए, मैं कितनी बारी बोल चुका हूँ आप लोगों को प्लीज़ गाइस घर मत आओ, मतलब अगर आप मेरे ब्लॉग्स फॉलो करते हो आपको पता है कि भाई सुपरा घर पर है। चीज़ समझो गाइस, मेरी प्राइवेट लाइफ भी तो है और मैं घर पे हूँ तो एक पॉइंट के लिए समझ में आता भी है, मैं घर पे नहीं हूँ मम्मा घर पे रहती है यार, आप समझ रहे हो कि अगर मेरे को थोड़ा सा भी भाई मानते होंगे ना तो लाइक मेरी मम्मी इज़ लाइक योर मम्मी यार, बहुत घर वालों को ना दिक्कत होती है एंड उनकी प्राइवेट लाइफ खराब होती है। मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ, मैं तो मिल लूंगा सब लोगों से भाई, हम लोग हर जगह गाड़ी हाईवे पे रोक करके मिलते हैं, बट घर वाले आर जस्ट अ पार्ट ऑफ व्लॉग, सो हम्बल रिक्वेस्ट घर पे मत आओ यार। सो हेमलो जी फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल रूम में। क्या भीगे भैया, अगर कपड़े भीगे होंगे तो मेरी वाली शेरवानी तो अंदर थी गाइस, मेरी वाली तो नहीं भीगी। एक काम करना, इसी को तो आधा काट के आधा करके। क्या हाल है, बढ़िया एकदम, खुशबू देखो कितनी आ रही है। एक और फिर प्रीति गले मिलो, फिर से भी आएगी, फिर तेरे से भी बड़ी आ रही है। मैं आंटी हाय बच्चे कैसे हो, दीदी बोलो दीदी। कैसे हो, एक तो तारीफ कर रहा हूँ ऊपर से देख रहा हूँ मेरे को। माते श्री कल अगर मेरे से सुंदर कोई दिख गया तो ये चेक करो। ओह वाह, बटन नहीं है, लवली यार। एथेनिक पहली बारी में चॉइस प्रणव की होगी, खुद ढूंढ के आया। वाओ वाओ, उसका ब्लैक फेवरेट है और मेरा भी। लड़की वालों से बात कर लो, छोटा भाई मैं हूँ, ध्रुव को तो कुछ पता नहीं, सांप नहीं लूट लूंगा। तू ही है, तू हर जगह है। नहीं, नहीं, I know, I know. मैंने बोल, सबको पता है मेरे 3 बेटे हैं। Exactly, guys. और सबको पता है मेरी भी 2 मम्मी है। वेरी लकी, लकी यू। एग्जैक्टली गाइस, बट इट्स ब्यूटीफुल, मस्त लग रहा है ना।